बुलंदशहर से बड़ी खबर, बेटियों ने पिता को उम्र कैद की सजा दिलाकर पेश की नजीर। वर्ष 2016 में ससुराल वालों ने अनु बंसल नामक विवाहिता को जिंदा जला दिया था। इस हत्याकांड में अनु बंसल की बेटी लतिका बंसल और तानिया मुख्य गवाह थी। बहरहाल कोर्ट ने हत्यारे पति मनोज को उम्र कैद और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। हत्यारे पिता और अनु के पति मनोज ने बेटा न होने की वजह से अनु को मिट्टी का तेल छिड़क जला के मार डाला था। अनु की बेटियां लतिका और तानिया ने खुद अपनी आंखों से ये घटना देखी थी। मां की हत्या के समय लतिका की उम्र महज 15 वर्ष और तानिया 11 साल की थी। 20 जून 2016 में मां की मौत के बाद लतिका ने खून से सीएम अखिलेश यादव को खत लिख न्याय की गुहार लगाई थी। हत्या के बाद दोनों बहनें अपने मामा के घर रहती है। क्या कहा लतिका ने सुनिए। सर, मेरा नाम लतिका बंसल है, मेरी बहन है तानिया बंसल। हमारी मदर को मार दिया गया था जिंदा जलाकर, वो भी हमारे सामने सारे परिवार वालों ने मिलके। अब जो हमारे उसमें फादर हैं, पिता हैं, उनको सजा हुई है 302 के अंदर और आजीवन कारावास हुआ है। अच्छा, ये घटना कैसे कैसे हो गई थी और इसको इसका जो डिसीजन आने में कितना वक्त लगा? सर, ये 2016 में 14 जून को सुबह में सबने मिलकर जलाकर मार दिया था हमारी मदर को। तो उसके बाद फिर अब 6 साल लग गए इस केस में और अब 302 में इसका जजमेंट हुआ है। अच्छा, ये इस लड़ाई कानूनी लड़ाई को लड़ने में कहाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कहाँ आपको दिक्कतें आई, या सब कुछ आसानी से हो गया? नहीं सर, आसान तो सांस लेना भी नहीं है वैसे, और दिक्कतें तो बहुत आई और कोर्ट में भी बहुत परेशानी आई, बाहर भी बहुत परेशानी आई, पर सब कुछ समय के साथ होता गया और हेल्प थोड़ी बहुत मिलती रही। अच्छा, इसमें न्याय की उम्मीद के लिए आपने मुख्यमंत्री जी को भी एक फोन से चिट्ठी लिखी थी, वो क्या प्रकरण? सर, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा था जब तक हमारी फाइल कोर्ट में नहीं आई थी। जब पुलिस के पास थी उस टाइम हमें कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, कहीं न्याय नहीं मिल रहा था, तो सबसे परेशान होकर हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा था लेटर ब्लड से। तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा संज्ञान लिया था और हम वहाँ पे उनसे मिलकर भी आए थे। आज जो है बड़ा आपके लिए बड़ा विचित्र दिन है, क्योंकि आपकी मदर के जो कातिल को सजा मिली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो कातिल है वो भी आपके फादर है, तो इसको लेकर के आपका क्या? सर, पहली बात तो अब वो हमारे तो फादर है नहीं। 14 जून से जिस दिन उन्होंने हमारी माँ को जलाकर मार दिया, उस दिन से वो हमारे बाप है।